नमस्कार, जयपुर सिटी की खबरों में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। यूडी टैक्स वसूली मामले की बात करेंगे, जिस मामले पर महापौर और जयपुर कलेक्टर आमने सामने हो गए हैं। महापौर अशोक लाहोटी ने कहा है कि यूडी टैक्स वसूली मामले में कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है, फिर कलेक्टर हमारे मामले को लेकर क्यों बैठे हैं। इस मामले पर निगम प्रशासन ने विधिक कलेक्टर को पत्र लिखकर तमाम फाइलें वापस मांगी है। इधर कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर वो काम कर रहे हैं। वहीं निगम की विधि शाखा की मांग है कि एक्ट के तहत कलेक्टर को यूडी टैक्स सुनवाई का अधिकार है, और ये तब है जब निगम में यूडी टैक्स समिति अस्तित्व में नहीं है। गौरतलब है कि शहर के करीब 2 दर्जन ऐसी संस्थाएं हैं जिनका यूडी टैक्स लाखों करोड़ों रूपये का बकाया है। इन संस्थाओं ने निगम के टैक्स गणना को गलत मानते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट ने संस्थाओं को जिला कलेक्टर या फिर नगर निगम में से किसी भी संस्था के यहां अपना पक्ष रखने के आदेश दिए थे। इन्हीं आदेशों के आधार पर इन संस्थाओं ने अपना पक्ष कलेक्टर के यहां रखा। इन 2 दर्जन प्रकरणों में सेंट जेवियर्स, एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन, रुक्मणी बिरला, बियानी शिक्षण संस्थान और एंजलाई वेलफेयर सोसाइटी, साथ ही कई चैरिटेबल ट्रस्ट और ऐसी ही कई अलग अलग संस्थाएं शामिल हैं। इधर हिंगोलिया गौशाला में गायों की मौत के मामले में जयपुर नगर निगम के आयुक्त हेमंत गेरा, जेडीसी वैभव गालविया और जयपुर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन हाईकोर्ट में पेश हुए। जेडीसी वैभव गालविया ने न्यायालय को बताया कि गौशाला के पास स्थित 382 बीघा भूमि से 210 बीघा भूमि नगर निगम के नाम करते हुए रेफर कर दी गई है। वहीं निगम आयुक्त हेमंत गेरा ने गौशाला में व्यवस्थाओं का जिम्मा देख रहे अक्षय पात्र फाउंडेशन को उसके बकाया भुगतान में से दिसंबर तक का भुगतान करने की जानकारी दी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जेडीए आयुक्त को बकाया भुगतान करने के आदेश दिए थे। वहीं जिला कलेक्टर और जेडीसी से 382 बीघा भूमि के मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब के बाद 210 बीघा जमीन अब गायों के लिए रिजर्व कर दी गई है। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने निगम आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वो इस जमीन पर गायों के लिए नए 8 बाड़े सहित दूसरी सुविधाओं का निर्माण कराए। इसके साथ ही बिजली विभाग को कानोता में गौशाला के लिए विद्युत कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को गोचर की 172 बीघा जमीन के मामले में भी पूरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को तय की गई है। बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें 8 बाड़े नगर निगम बनाएगा, क्योंकि पूर्व में 50 करोड़ सरकार ने देने के लिए वायदा किया था, उसमें से 10 करोड़ रुपए दे चुके थे, 16 करोड़ उसके होम डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ रुपए लगा करके ओपन जेल के लिए कंस्ट्रक्शन चालू किया था और 6 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था। वो जेडीसी जो पूर्व में थे मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने इस बात को ऐतराज किया कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है और 282 बीघा जमीन ट्रांसफर करने के लिए वो आदेश पारित हो चुके हैं। इधर राजधानी जयपुर में सील के बावजूद निर्माण करने वालों पर जेडीए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सील शुदा परिसर में निर्माण करने पर ध्वस्तीकरण सहित 4 जगहों से अवैध निर्माण ध्वस्त किए। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया है कि जोन 5 में प्लॉट नंबर B40 महारानी फार्म में सील शुदा में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इधर जोन 4 में कैलाशपुरी योजना टोंक रोड पर 60 फीट सड़क सीमा में आ रहे एक मकान के आगे का हिस्सा और 5 मकानों में प्रथम तल के 3 से 5 फीट तक के निर्माण को डिमार्केशन कर ध्वस्त किया गया। वहीं जोन 8 में विधानसभा नगर ग्राम धौलाई प्लॉट नंबर F71 में किए गए निर्माण और जोन 9 में जगतपुरा कुसुम विहार में प्लॉट नंबर B23 के मालिक की ओर से रोड पर दीवार बनाकर किए गए अतिक्रमण को खत्म किया। इधर सांगानेर के वाटिका रोड पर गुलमोहर गार्डन टाउनशिप मामले में नया मोड़ आ गया है। शमशान भूमि और आम रास्ते पर आशियाना बिल्डर्स ग्रुप की ओर से कब्जा किए जाने के मामले का जी मीडिया द्वारा खुलासा करने के बाद जेडीए प्रशासन अब हरकत में आ गया है। ऐसे में भाटावाला गांव से वाटिका को जोड़ने वाले आम रास्ते पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। जेडीए ने असिस्टेंट टाउन प्लानर, तहसीलदार अमीन और पटवारी को जांच कर तत्काल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि आशियाना बिल्डर ग्रुप ने गुलमोहर गार्डन टाउनशिप के चारों तरफ 10-10 फीट की 4 दीवारी खड़ी कर दी, इससे सेक्टर रोड भी बंद हो गए। स्थानीय लोगों ने जेडीए आयुक्त को ज्ञापन भेजकर इस मामले की शिकायत की। जैसा कि आप बता रहे हैं गुलमोहर गार्डन का रास्ता बंद किया है, हम इसको दिखवाते हैं। अभी आपने बताया मेरे कोई ऐसी कोई दिक्कत, हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको दिखवा लेते हैं, और अगर गलत पाया गया और उन्होंने वाकई रास्ता बंद किया है तो उसको जल्दी खुलवाएंगे।
इधर केरल के मार्क्सवादियों के विरोध में जयपुर में कलेक्ट्रेट पर आरएसएस, बीजेपी और विचार परिवार के सदस्यों ने मानवाधिकार मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं की केरल में हुई हत्याओं के विरोध में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बीजेपी के बड़े नेता और संघ के प्रमुख प्रचारक शामिल हुए। इस धरने में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मेयर अशोक लाहोटी, विधायक मोहनलाल गुप्ता, सुरेंद्र पारी, सरदार जसबीर सिंह और संघ के प्रमुख लोगों में प्रकाश चंद, निम्बाराम, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, किशोरी लाल मीणा सहित कई लोग शामिल हुए। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोलते हुए कहा कि केरल में बीते कई सालों में संघ के स्वयंसेवकों की निर्ममता से हत्या हुई है। अभी तो उन्होंने महाधरना दिया है और अब देश भर में विराट आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। तो सत्ता के सहयोग से इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। वैसे तो कम्युनिस्ट लोगों की मानसिकता ही इस प्रकार की है कि वो हिंसा की राजनीति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने देश में उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि शायद मानवतावादी कम्युनिस्टों से बढ़कर कोई है ही नहीं। 16 साल से यहीं जयपुर में रहते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे इतना वो दुख हो रहा है हमको, इतना हमारा भाई बहनों से इतना लोग मारते हैं, जो कम्युनिज्म का जो मार्क्सिस्ट पार्टी इतना बहुत बुरी तरह से वो पार्टी को कर रहे हैं, हमें भी दुख हो रहा है, हम इसलिए सब लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे और भी लोग आना चाहते थे, लेकिन अभी जो वर्किंग डे इसलिए नहीं आ पाया, और भी बहुत लोग आएंगे इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाएगा और बहुत लोग आएंगे। और अब बात मौसम में आए बदलाव की। राजधानी में पिछले दो दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह आसमान साफ रहा तो दोपहर होते होते आसमान में घने बादल छा गए। विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, शास्त्री नगर सहित कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। जयपुर का जहां कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री के पार दर्ज हुआ, वहीं आज तापमान में करीब 4 डिग्री तक की गिरावट दिखी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी दी है। एक तरफ जहां सर्दियां जाती दिख रही थी, पूरे प्रदेश भर में गर्मी ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी, वहीं पिछले दो दिनों में अचानक मौसम ने करवट बदली है। आज ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह तो तापमान सामान्य था, मौसम खुला था, लेकिन दोपहर होते होते हल्की फुल्की बूंदाबांदी और ओले गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी का पेपर बेहद आसान रहा। इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए राजस्थान बोर्ड ने पुलिस बंदोबस्त, सीसीटीवी कैमरे और 66 से भी ज्यादा उड़न दस्ते लगाए। इसकी वजह से जयपुर में पहले दिन नकल रहित परीक्षा रही। 12वीं कक्षा के इंग्लिश का पेपर आसान देखकर छात्रों के भी चेहरे खिले दिखे। परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर इजी रहा। अंग्रेजी का पर्चा शुरू होने के 15 मिनट बाद ही पेपर का एक फोटो व्हाट्सएप पर वायरल भी हुआ था। इसकी वजह से पेपर लीक होने की अफवाह भी फैली, लेकिन ये वायरल झूठ साबित हुआ। परेशानी तो कुछ नहीं, सारे अच्छे थे, मुझे तो अच्छे लगे, मैंने सारे करे और सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था और अच्छा था। मतलब कौन से सवाल थे जो बहुत ज्यादा इजी थे, क्या लगता है कितने आपके मार्क्स लगे, किस तरह की तैयारी अच्छी आपकी? मेरी अच्छी थी तैयारी और ज्यादा नहीं, वैसे 80 का पेपर था, 70 तक आने की वो है कि हाँ 70 तो आ जाएंगे। पेपर तो वैसे इतना हार्ड भी नहीं था, इतना डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब जो नहीं पढ़ कर आया उनके लिए तो हर चीज डिफिकल्ट। आउट ऑफ कोर्स कुछ आया नहीं? कुछ नहीं आउट ऑफ कोर्स, कुछ नहीं, सारा कोर्स में ही था, बस क्वेश्चन थोड़े घुमा कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं जयपुर नगर निगम की, जिसकी डोर टू डोर योजना भले ही अब तक शुरू नहीं हो पाई हो, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसका विरोध जरूर शुरू कर दिया है। अखिल राजस्थान मजदूर कांग्रेस की ओर से नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ और धरना दिया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस योजना का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की 2000 भर्तियां पिछले कई साल से लंबित हैं, लेकिन सरकार ये भर्तियां करने के बजाय डोर टू डोर योजना कर रोजगार छीनना चाहती है। हमने उनसे निवेदन किया था कि जो बरसों से सफाई कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप ठेके पे ना देके इन्हीं लोग जो लोग कर रहे हैं उन्हीं से करवाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं महापौर जी का मोटा कमीशन है। उस मोटे कमीशन के लालच में महापौर जी ये जो बेचारे रोटी और 10 रुपए महीने के हिसाब से जो काम कर रहे थे, रोटी और 10 रुपए के हिसाब से महीने के हिसाब से जो काम करते थे, घर घर जाके सफाई का कार्य करते थे, वो कार्य
ठेके पे दिया जा रहा है। हम इधर जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मादा भेड़िया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जयपुर से अब तक दिल्ली जू में 1 जोड़ा, गुजरात में 5 जोड़े, बेंगलुरु में 1 जोड़ा, तिरुपति में 1 जोड़ा, भोपाल में 1 जोड़ा और लखनऊ में 1 जोड़ा भेजा गया है, लेकिन अभी भी कई राज्यों से भेड़ियों की मांग की जा रही है। जयपुर जू ने भी इन भेड़ियों के बदले दूसरे जानवर एक्सचेंज किए हैं। दिल्ली से सफेद टाइगर, भोपाल से गोल्डन लॉयन, बेंगलुरु से लॉयन मादा, लखनऊ से पैंथर जोड़ा और मगरमच्छ बदलकर जयपुर जू में लाया गया है। विभिन्न चिड़ियाघरों से हमें वन्य जीव प्राप्त हुए हैं, जिसमें दिल्ली चिड़ियाघर से व्हाइट पेयर का जोड़ा, भोपाल से गोल्डन टाइगर, गुजरात से हमें प्योर एशियाटिक लायन का पेयर के साथ साथ बेंगलोर से लायनेस, तिरुपति से व्हाइट टाइगर के साथ साथ लखनऊ से हमें लेपर्ड का भी जोड़ा मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, जयपुर जू के लिए बहुत अच्छी बात है। इधर जयपुर में एक बार फिर खून बेचने का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने किसी घटना से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोती डुंगरी थाना पुलिस के मुताबिक एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों को एक शख्स पर खून बेचने का शक था और इसी के आधार पर डॉक्टर्स ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी ब्रह्मपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम देवेंद्र शर्मा है। पिछले कुछ समय से खून की दलाली कर रहा था। आज भी आरोपी इसी सिलसिले में अस्पताल पहुंचा था। अब मोती डुंगरी थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जयपुर में युवक युवती ने परिवार की रजामंदी के बिना शादी कर ली, लेकिन अपने ही परिवार से जान का खतरा देखते हुए दोनों ने पुलिस सुरक्षा मांगी। मजिस्ट्रेट के सामने आज दोनों पहुंचे, लेकिन इस दौरान युवती के परिजनों ने कोर्ट परिसर में ही युवक के साथ मारपीट कर डाली। जयपुर निवासी कुणाल सैनी ने ब्राह्मण परिवार की युवती से सितंबर 2016 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन लड़की के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। इधर लगातार युवक और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकियां मिलती रही। आज कोर्ट परिसर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद युवक ने अपनी और पत्नी की पुलिस सुरक्षा मांगी। दोनों को सुरक्षा के बीच कोर्ट से ज्योति नगर थाने लाया गया, जहां दोनों के बयान दर्ज हुए। मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया, तो वहीं मेरे से छीना जब्ती हाथापाई वगैरह की पुलिस वालों ने, जो यहाँ के 2 स्टार हैं वगैरह और कई पुलिस वाले जिन्होंने जीना दुश्मन कर रखा है, मेरे घर वालों को आए दिन मार रहे हैं, जबकि लड़की ने बयान दे चुकी। जब भी इधर जयपुर में चौमू थाना इलाके के पांचियावली ढाणी में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल करवाया है। पीड़िता ने अपने पड़ोसी देबू बंगाली के खिलाफ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के पति के मुताबिक 13 फरवरी को उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुस गया। मैडम उदम की दी मैं तेरे पति को मार दूंगा, तेरे उसको मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उसके साथ जबरदस्ती की, उसने चाकू दिखाया उसको। कौन है वो लोग? देवू बंगाली नाम है उसका, मेरे पड़ोस में रहता है वो। और 21 तारीख को मामला था, जो हमने पुलिस को फोन करके बुलाया, हमारे 2 आदमी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इधर चौमू के बिजली निगम और नगर पालिका में इन दिनों बकाया राशि वसूल करने के लिए घमासान मचा हुआ है, जहां एक ओर बिजली निगम ने बिजली बिलों के बकाया राशि वसूलने के लिए पालिका क्षेत्र के जलदाय विभाग की बोरिंग और पंप हाउस के बिजली कनेक्शन काट दिए। इसके बदले में नगर पालिका ने बिजली निगम पर करोड़ों रूपये की बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस थमा दिया। पालिका प्रशासन ने निगम को 45,55,00,000 रुपए का बकाया टैक्स जमा कराने का नोटिस दिया। इस पर बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि जो बकाया राशि बताई जा रही है उसका जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। इधर एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को खुद प्रबंधन की बिगाड़ने में जुगत दिख रही है। यह बात एसएमएस के प्रवेश द्वारों की हो रही है, जहां हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जबकि पूछताछ केंद्र अस्पताल परिसर के अंदर चल रहे हैं।
चाहे वो बांगड़ वार्ड की बात की जाए या फिर मुख्य द्वार की। हर जगह किसी भी व्यक्ति को पूछताछ करनी है पहले उसे अस्पताल में प्रवेश करना होगा, जबकि गार्ड्स को ये निर्देश दिए हैं कि बगैर पासधारियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। हालात ये है कि पूछताछ की विंडो पर सन्नाटा पसरा रहता है और गार्ड से लोग सवाल पूछते रहते हैं। महज पूछताछ के लिए आने वाले लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झगड़े होना तो यहां आम बात है। हाल ही में 2 दिन पहले वांगड़ अस्पताल में इसी तरह का एक बड़ा झगड़ा हो चुका है, फिर भी प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए गंभीर नहीं है। खुद चिकित्सक और सुरक्षाकर्मी भी मानते हैं कि अगर पूछताछ केंद्र की विंडो बाहर की तरफ खोल दी जाए तो काफी हद तक मरीज और उनके परिजनों को सहूलियत मिलेगी। इधर शाही गाड़ी पैलेटन व्हील्स आज सुबह जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पहुंची। यहां शाही गाड़ी से आए मेहमान शहनाई और नगाड़े की धुन पर कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकारों के साथ देर तक थिरकते रहे। पैलेटन व्हील्स से 50 मेहमान जयपुर पहुंचे, इनमें बेल्जियम के 30 सैलानियों का दल भी शामिल था। सभी को स्वागत सत्कार के बाद जयपुर के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया गया। ध्यान रहे, पूरे देश में दूसरी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन पर्यटकों की बुकिंग नहीं मिलने से बंद है, वहीं पैलेटन व्हील्स में पर्यटकों की आवक लगातार बढ़ रही है। इससे पर्यटन निगम और पर्यटन उद्योग दोनों में उत्साह है। शाही ट्रेन का सत्र अगले महीने खत्म होगा। इधर जयपुर में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से विद्याधर नगर प्रियदर्शनी स्थल पर धरना दिया गया। किसान बिजली की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस धरने में पूर्व विधायक पवन दुग्गल, पीवाना किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमला राम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कि गांव गांव में घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया बहनों के हाथ में। जयपुर के जवाहर नगर सेक्टर 3 में पानी के बिल ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस बार उनके बिल लगभग 10 गुना तक ज्यादा आए हैं। पहले जहां बिल 200 या 300 रुपए आता था, वहीं इस बार 2000 से 3000 तक का बिल आया। इससे गुस्साए लोगों ने AEN रजनीश बैरवा का घेराव किया और अपना रोष जाहिर किया। उन्होंने विभाग को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, AEN को चेतावनी पत्र दिया। लोगों के मुताबिक नए मीटर लगाने के बाद बढ़े हुए बिल आए हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक अहम सवाल।